हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज का चैप्टर कर रहे थे और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। तो पिछले दो क्लासेस में हमने समझा था कि भाई एरर्स क्या होती हैं, एरर्स की क्या क्लासिफिकेशन होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। हमने ये देखा था कुछ एरर्स होती है जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को मैच होने नहीं देती, वहीं कुछ एरर्स होती है जो होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंगली हमने वन साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स की बात करी थी। फिर हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स के बारे में बात करी। और फिर पिछली क्लास में हमने सीखना शुरू किया कि एरर्स की रेक्टिफिकेशन कैसे होती है। हमने उसमें बोला कि देर आर थ्री स्टेजेस जहाँ पे रेक्टिफिकेशन होती है। पहला स्टेज होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा स्टेज होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनलाइजेशन या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और लास्ट होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स यानी जब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफिकेशन करते हैं तो स्टेज थ्री होता है। उसमें हमने वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स को समझा था कि कैसे रेक्टिफाई करते हैं, क्या तरीका होता है। आई होप आपने ये सारे कॉन्सेप्ट कर लिए होंगे, सारे आपका अभी तक आपका कॉन्सेप्चुअल कवरेज हो गया होगा। अब हमें आज की क्लास में स्टार्ट करने अपने किताब के अपने स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को देखना। तो अब यही होगा, मैं आपको बताता रहूंगा, देखो ये इस कॉन्सेप्ट से उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, आपको बस वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन करना है, राइट। तो फटाफट से आप अपने स्टडी मॉड्यूल पे आ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पेज नंबर 92 पे है, इलस्ट्रेशन नंबर 34। ये कह रहे करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब क्या स्टेज है, कौन सी स्टेज है ये? सर ये स्टेज नंबर वन है, बिफोर ट्रायल बैलेंस वाली स्टेज है, क्लियरली लिखा है, राइट। तो अब यहां पे आपको बस याद रखना है, अगर वन साइडेड एरर्स हैं तो वन साइडेड एरर्स के केस में हमें सिर्फ इफेक्टेड अकाउंट में रेलिवेंट साइड पे एक रेक्टिफिकेशन नोट डालना होता है। वही टू साइडेड एरर्स के केस में फिर हम कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको चार स्टेप्स में सिखाया था कि कैसे आप चार स्टेप्स में रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी दिमाग लगा के सिंपल लॉजिक लगा के भी रेक्टिफिकेशन एंट्री बना सकते हैं। तो आपको एक एक करके एरर रीड करना है और अकॉर्डिंगली फिर आइडेंटिफाई करना है एरर क्या है और वन साइडेड है टू साइडेड है, इसके हिसाब से आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। जैसे पहला देखना, पहला है द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹100 शॉर्ट। टोटल का मतलब ये कास्टिंग की बात कर रहा है कि सेल्स बुक की का जो टोटल है वो ₹100 से कम टोटल का रखा है, कम कास्ट का रखा है, तो दिस मींस अंडर कास्टेड है। तो दिस इज एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग हमने सीख रखा है, एक वन साइडेड एरर होता है, यानी अब यहाँ पे आपको रेलिवेंट अकाउंट पे बस नोट डालना है सही साइड पे। तो सेल्स बुक का टोटल कम होने का इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे सेल्स अकाउंट में कम अमाउंट गया होगा, सेल्स अकाउंट में कम अमाउंट गया होगा, तो हमें सेल्स को बढ़ानी पड़ेगी। सेल्स को बढ़ाने के लिए हम सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे कोई रेटिफिकेशन एंट्री नहीं पास होगी, कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला स्टेज है। तो हम सेल्स अकाउंट को सिंपली क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट में नोट डाल देंगे बाय एरर इन कास्टिंग, मतलब वो अंग्रेजी लिखनी है भाई, अंग्रेजी आप कुछ भी लिख लो, बाय रेटिफिकेशन ऑफ एरर इन कास्टिंग या एरर इन टोटलिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। बस मेन क्या है कि सेल्स अकाउंट में आपको ₹100 क्रेडिट करने, मेन पॉइंट ये है। तो मैंने आपको ऑलरेडी खूब सारे कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स करवा दिए थे, तरीका आपको अच्छे से सिखा दिया था, उसी का आपको एप्लीकेशन करना है। तो एक बार हम यहीं से टैली करते हुए चलेंगे। तो देखो ए में कह रहा है सेल्स बुक का टोटल ₹100 कम कास्टेड है, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड ₹100 शॉर्ट, मतलब सेल्स अकाउंट में कम पैसा गया है। तो ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, देखो क्या करना है, क्रेडिट करना है सेल्स अकाउंट को ₹100 से, और उसमें हम लिख देंगे बाय रॉन्ग टोटलिंग, मतलब ये इन्होंने लिखा है बाय रॉन्ग टोटलिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, मेन पॉइंट है कि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो, समझ आ गया? यस। बी पढ़ो, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी ने हमको रिटर्न किया, यानी ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है, ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। Have not been recorded anywhere. तो ये तो सिंपल कंप्लीट ओमिशन का केस है। कंप्लीट ओमिशन अपने आप में टू साइडेड एरर होती है, और कंप्लीट ओमिशन की रेटिफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं करना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली जो सही एंट्री है बस उसको लिख देना है, वही आपकी रेटिफिकेशन एंट्री बन जाती है। सो योर रेटिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू द करेक्ट एंट्री। तो आपको सिंपली सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट,
सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है? तो दोनों में से कुछ भी बोल लो, बट आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं सेल्स रिटर्न को। टू ग्रीन एंड कंपनी, मतलब टू एंड डेटर होता है, तो डेटर यहां पे कौन है? ग्रीन एंड कंपनी। तो बस यही एंट्री होगी, आप यहां से मिलाते हुए चलना। तो रिटर्न इनवर्ड या फिर वही सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150, ठीक है जी? चलो सी पढ़ना, आपको एरर्स भी आइडेंटिफाई करते हुए चलनी है। कह रहे फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स रुपीज 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, यानी हमने एक फर्नीचर परचेज करा, एक फिक्स्ड एसेट परचेज करा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसको हमने परचेज डे बुक में डाल दिया। मतलब सिंपली सिंपल भाषा में परचेज बुक होता है। दैट मीन हमने इसको नॉर्मल गुड्स के परचेज की तरह ट्रीट कर दिया, यानी हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड कर दिया। सो दिस इज वॉट एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल टू साइडेड एरर होता है। ठीक करने के लिए या तो वही अपने चार स्टेप्स लगा लो। पहला स्टेप नंबर वन, रॉन्ग एंट्री। स्टेप नंबर टू, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एंट्री। स्टेप स्टेप नंबर थ्री, करेक्ट एंट्री। और स्टेप नंबर फोर में टू और थ्री, स्टेप टू और थ्री को मिला लेना, उसकी नेट एंट्री बना लेना, तो वो आपकी रेटिफिकेशन एंट्री बन जाती है। नहीं तो यार सीधा सीधा बनाओ। आप समझदार बच्चों, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में घुसे हो, क्यों आपको लॉन्ग कट से जाना? आपको दिमाग लगाना है भाई। फर्नीचर परचेज करी हमने, इसको परचेज अकाउंट में डाल रखा होगा, तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, उसको डेबिट कर देंगे, और परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी सीधी सीधी एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सीधी सीधी आपकी ये एंट्री बन सकती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और लास्ट पढ़ लेते हैं, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी रुपीज 18 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक चैप्टर याद होगा आपको, उसमें हम डिस्काउंट कॉलम के साथ कैसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो वो आपको याद होगा। तो कह रहे कि हमने एक डिस्काउंट अलाउ किया था, तो यानी एक डिस्काउंट अलाउ था 18 रुपए का, वो हमने डिस्काउंट के कॉलम में डाला नहीं। यार डिस्काउंट के कॉलम में डाला नहीं तो आपको याद होगा, जब डिस्काउंट का कॉलम का टोटल होता है वो कहाँ जाता है? वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट होता है। तो जब डिस्काउंट के कॉलम में डाला नहीं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में गया नहीं, पोस्ट नहीं हुआ। द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हाउएवर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, मतलब पार्टी का जो डेटर का अकाउंट है उसमें सही अमाउंट गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक हो गई कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में 18 रुपए नहीं गया। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दोगे एक्सपेंस से, क्योंकि दैट्स इट। और ये वन साइडेड एरर है, पार्शियल ओमिशन है। दिस इज अ पार्शियल ओमिशन, क्योंकि सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करा हमने। तो बस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को इसको डेबिट कर देना, वन साइडेड एरर है। तो इसमें आपके सिंपली डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड में एक रेक्टिफिकेशन नोट चला जाएगा। बस ये लिखा होगा, पढ़ लेना कि डिस्काउंट अकाउंट मतलब वही डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करना है, और वहां पे अंग्रेजी लिख देनी है टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन कैश बुक 18। मतलब आपको यही अंग्रेजी नहीं लिखनी, आपको सिंपली एक रेक्टिफिकेशन का नोट डालना है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज या रेक्टिफिकेशन का काम करना होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 35, सबसे पहले स्टेज आइडेंटिफाई करना। कह रहे मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सितंबर 30, 2021। तो मेन बात है क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कीवर्ड्स है भाई। हमने अपने अकाउंट्स क्लोज कर दिए इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आने के बावजूद हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। डिफरेंस वॉज रुपीज 830, द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट। कह रहे ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस था वो 830 रुपए का था, और क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से 830 रुपए कम था। क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट मतलब क्रेडिट का टोटल 830 रुपए से कम आ रहा था। इट वॉज कैरीड फॉरवर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। आपको मेन रिक्वायरमेंट पढ़ लो, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स। आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है। हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, तो कुछ पूछ रहा आपको कुछ कमेंट्स देने क्या एज अ प्रोफेशनल, क्या आप कुछ कमेंट्स देना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो देखो कमेंट्स वगैरह तो मैं बाद में बता दूंगा क्या देना है। मेन है क्या आपने स्टेज आइडेंटिफाई करी। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, मैंने ये शब्द आपको लिखवा रखे है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, या फिर
नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन करनी है, बहुत सारे हिंट दे सकता है क्वेश्चन आपको टू इंडिकेट कि ये स्टेज थ्री है। तो ये कौन सा स्टेज है भाई? ये स्टेज थ्री है। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हम लोग कर रहे रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब ये समझ लो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। अकाउंट्स क्लोज होने का मतलब ही होता है कि अकाउंट्स क्लोज करके हम अपने फाइनेंशियल्स वगैरह फाइनल करके सब आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज नाउ स्टेज थ्री। तो आप नोट्स में चेक कर लेना, इसलिए मैंने नोट्स में ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको नोट्स एक बार वेरीफाई करवा लेता हूं। जब हमने मेन अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन वाले पार्ट का, ये देख लो, यहां पे मैंने शब्द लिखे थे स्टेज थ्री के लिए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा था आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, नेक्स्ट पीरियड अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब इस तरह की हिंट देता है क्वेश्चन आपको कि बताने के लिए कि यहां पे स्टेज थ्री है, राइट? तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है? चलो तो वापस आ जाते हैं एक बार हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो स्टेज नंबर थ्री है। स्टेज थ्री का एक बहुत खूब यूएसपी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूएसपी थी, एक बार आप याद कर लेना, मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था स्टेज थ्री, मैं यहीं पे दिखा देता हूं। स्टेज थ्री में हमने बोला था कि बिल्कुल स्टेज टू जैसा ही काम करना है आपको। वन साइडेड एरर्स के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, टू साइडेड एरर्स तो नॉर्मली पूरी जनरल एंट्री बना के करना है। लेकिन बस ध्यान रखना है सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में हमें सारे नॉमिनल अकाउंट्स को रिप्लेस करना होता है विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस सवाल में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे नॉमिनल अकाउंट्स को हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, ठीक है? तो आप नॉर्मली अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओगे और जैसे ही नॉमिनल अकाउंट कोई भी आएगा उसको काट के क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ आ गया? तो मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं। जैसे फर्स्ट पढ़ना, कह रहा है सेल ऑफ रुपीज 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मिस्टर लाला को सेल करी और हमने गलती से माला के अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। तो ध्यान से समझना, हमें करना क्या था, हमें करना क्या था, मैं यही बता देता हूं। हमें लाला के अकाउंट में डेबिट करना था 2300 रुपीज, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल करी तो डेटर को डेबिट करते हैं। इसकी जगह हमने कर क्या दिया, हमने माला के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2300 से। पोस्टिंग की गलती है, रॉन्ग अकाउंट एंड रॉन्ग साइड, गलत अकाउंट में भी पोस्ट करा, गलत साइड पे भी पोस्ट करा। लाला का अकाउंट था, डेबिट में डालना था, मैंने माला के अकाउंट में डाल दिया, वो भी क्रेडिट में। तो अब इसको ठीक कैसे करना है, बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है भाई, मैं यहां करते हुए चलता हूं। जिसके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, जो आपने नहीं करा उसके अकाउंट को डेबिट कर दो। तो लाला के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, कर दो। अच्छा, माला के अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, उसको ठीक करने के लिए उसको भी डेबिट कर दो। बस अब एंट्री बनानी है, एंट्री पूरी करने के लिए, अब बाकी तो किसी अकाउंट में कोई गड़बड़ है नहीं, इन दोनों के ही अकाउंट में झोल था, तो बस कोरिस्पोंडिंगली किसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है 2300। मैं बता देता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके आपके तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, ये सीए फाउंडेशन के स्टडी मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, सेम क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के स्टडी मॉड्यूल में भी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट? चलो सेकंड। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात मतलब ध्यान रखना है, एंट्री बनाने के बाद बस क्या चेक करना है कि कोई नॉमिनल अकाउंट तो नहीं आ रहा एंट्री में, अगर आ रहा है तो उसको काट के लिखना है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इस सवाल में लाला नॉमिनल नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, माला भी पर्सनल अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर होता नहीं, तो देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट इन दिस एंट्री, तो यही आपकी फाइनल एंट्री है, राइट? चलो सेकंड कहता है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक, मतलब सेल्स रिटर्न बुक फॉर जुलाई रुपीज 1240 वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। तो सिंपल है, हमने रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल उसके अकाउंट में, यानी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, तो आप पोस्ट कर देते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट होता है सेल्स रिटर्न, तो उसको डेबिट कर देते हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। बस पार्शल ओमिशन है, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट को पोस्ट नहीं करा हमने, बाकी तो सब सही है। तो कोरिस्पोंडिंगली टू सस्पेंस अकाउंट कितना अमाउंट है, 1240। अब सतर्क हो जाना है, क्या इस एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट आपको नजर आ रहा है,
क्या इस एंट्री में आपको कोई नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है? द आंसर इज यस सर, आ रहा है। ये रिटर्न इनवर्ड अकाउंट जो है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसको काट के अब आपको क्या लिखना है, इसको काट के आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको काट के क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये मैं काट के दिखा रहा हूं, एग्जाम में आपको खुद से खुद मतलब दिमाग लगा के खुद ये काम करना पड़ेगा डायरेक्टली। ये नहीं कि पहले आप नॉर्मल बना रहे हो, लिख रहे हो रफ में, फिर उसको काट पीट के सही एंट्री बना रहे हो। एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट वे में करना, कि मन में एंट्री सोच ली, सोचा अच्छा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट आ रहा है, ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो सर इसकी जगह हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे। अभी समझाने के लिए ऐसे काट काट के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो काम करो, यहां से भी टैली करते हो, चलो पहली एंट्री चेक कर लो सही हो गई, दूसरी एंट्री भी सही होगी पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। थर्ड अच्छा पॉइंट है, थर्ड अच्छा पॉइंट है, थर्ड कह रहा है फ्रेट पेड ऑन अ मशीन ₹5600 वाज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज ₹6500। तो पहले इसका मतलब समझना, वो कह रहा है कि भाई हमने मशीन पे एक फ्रेट पे किया 5600 का, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये मैंने मशीन की परचेज करते वक्त कोई फ्रेट का खर्चा करा, तो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको मुझे मशीन की कॉस्ट में ही ऐड करना चाहिए था, यानी मुझे मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 5600 से। लेकिन इसके जगह मैंने देखो क्या नालायकपंती करी, मैंने इसको फ्रेट अकाउंट में डाल दिया और कुछ नहीं बोला, तो डेबिट साइड पे ही डाला, और वो भी अमाउंट क्या डाल दिया एज ₹6500। इसका मतलब क्या समझ गए आप, मशीन अकाउंट में 5600 पोस्ट करना था, डेबिट करना था, मैंने उसकी जगह फ्रेट अकाउंट में पोस्ट कर दिया, वो भी 6500। अकाउंट गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, अकाउंट भी गलत, अमाउंट भी गलत। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, कैसे ठीक करोगे? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5600 से, मशीन अकाउंट डेबिट 5600, फ्रेट अकाउंट को डेबिट कर रखा है 6500 से, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो टू फ्रेट अकाउंट 6500, और जो डिफरेंस है ₹900 का डेबिट में, उसको कहां डाल दोगे, उसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, उसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में, राइट। अच्छा, अब फ्रेट यहां पे अगर आप देखेंगे तो फ्रेट क्या है, फ्रेट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ध्यान रखना है। तो फाइनल एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6500, दिस इज योर फाइनल एंट्री। अच्छा, अब एक इसमें मजेदार पॉइंट और है, अगर आपको ये समझ आ गया हो एक बार को, जरा क्वेश्चन की बिल्कुल लास्ट लाइन पे आना, हमारी प्रैक्टिस है, कह रहा है यहां पे बिल्कुल फिफ्थ में लिखा है उसने, थोड़ा सा अच्छी जगह नहीं लिखा उसने, बट जानबूझ के उसने ऐसी जगह लिखा जहां पे आपसे गलती हो जाए, आपसे मिस हो जाए। वो कह रहे द फर्म हैज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। वो कह रहा है कि भाई हमारी प्रैक्टिस है कि हम अपनी मशीनरी वगैरह में 10% का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। आप खुद सोचो, जब मैंने ये 5600 रुपीस मशीन अकाउंट में डाला नहीं था, तो इस पे जो डिप्रिसिएशन लगती वो भी नहीं लगी होगी, जब मैंने मशीन अकाउंट में डाला ही नहीं 5600, तो इसमें डिप्रिसिएशन लगी नहीं होगी। अब मैंने मशीन को डेबिट कर रखा है 5600 से, मैंने अपनी मशीन को 5600 से बढ़ा रखा है, तो अब इस मशीन पे क्या मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए? द आंसर इज यस, इस पे मुझे डिप्रिसिएशन भी चार्ज करनी चाहिए। तो डिप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, जिस पे भी लगा रहे हैं, तो इस केस में जैसे मशीन पे लगा रहे हैं तो टू मशीन अकाउंट, और 10% 5600 का लगाना है तो क्या बन गया 560, 10% ऑफ 5600 इज 560। और बात वही है भाई आपकी, हमें डेप्रिसिएशन की जगह अब यहां क्या लिखना पड़ेगा, सर डेप्रिसिएशन तो नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल सही, तो इसकी जगह अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे आपकी दो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, पहली मशीन अकाउंट डेबिट 5600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 6500, और दूसरी डेप्रिसिएशन क्योंकि लगाना पड़ रहा है अब हमें, और तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 560। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है,
चलो फोर्थ पढ़ना, फोर्थ पढ़ना। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज, 65,590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950। तो कह रहा है परचेज अकाउंट में एक पेज से दूसरे पेज में जब अमाउंट ले जा रहे थे तो 65,590 के अमाउंट को हमने गलती से 56,950 लिख दिया, यानी अमाउंट कम कर दिया। कितने से कम कर दिया चेक कर लो, 65,590 माइनस 56,950 तो 8,640। 8,640 से हमने परचेज अकाउंट को कम कर दिया होगा अगर आप सोचो, क्योंकि हम दूसरे पेज पे ज्यादा अमाउंट ले जाने की जगह अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। वो कह रहा है परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65,590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 56,950, उल्टा सॉरी उल्टा, मुझे 56,950 पेज नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना था, मैं गलती से 65,590 लेके चला गया, मतलब ज्यादा अमाउंट लेके चला गया। क्या करके चला गया? ज्यादा अमाउंट लेके चला गया 8,640 से, यानी मैंने परचेज अकाउंट को अल्टीमेटली ज्यादा डेबिट कर दिया 8,640 से। तो अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे सर? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बनाना, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,640। और बात वही है भाई, परचेज अकाउंट क्या है सर? ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप आंसर मिलाते हुए चलना भाई अपने स्टडी मॉड्यूल से, कि कहीं भाई स्टडी मॉड्यूल में कोई गलती तो नहीं हो रखी, चेक करते हुए चलना। थर्ड एंट्री देखो, ए बी सही हो गई, ये एंट्री भी सही होगी, सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 8,640, 8,640। ठीक है चलो लास्ट पॉइंट है, कह रहे सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट ऑफ मिस्टर मेहता वॉज फॉर 9,000 वॉज नेट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ एट ऑल। वो कह रहे हैं कि हमने मिस्टर मेहता को 9,000 रुपए पे मशीन बेची, उधारी पे बेची, इसकी कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड हुई। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 7,500। द फर्म हैड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डेप्रिसिएशन 10% वाला पॉइंट। तो यहाँ ना थोड़ा सा बच्चों गड़बड़ है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आंसर में उन्होंने एक अजम्पशन ली है जो उन्होंने क्लियरली बोली नहीं, ना ही उन्होंने सोल्यूशन मतलब पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ था, और इस बात को सही किया गया है सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में, ये क्वेश्चन डाला हुआ है वहां पे, ये सही ढंग से गया हुआ है। बेसिकली उसने बोला कि हमने एक मशीन 9,000 पे बेची और मशीन की बुक वैल्यू थी 7,500। अब इस लैंग्वेज का मतलब तो यही होता है कि भाई जिस दिन मशीन बेची उस दिन उस मशीन की बुक वैल्यू 7,500 थी, उसकी WDV 7,500 थी। बात समझ आ रही है? लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने आपके क्या माना हुआ है? इंस्टीट्यूट ने माना है कि ये जो 7,500 का जो वैल्यू दे रखा है, दिस इज बिफोर डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले वैल्यू दे रखी है, आपको पहले डेट ऑफ सेल पे डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, जिस दिन आप मशीन बेच रहे हो उस दिन आपको पहले डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो डिप्रिसिएशन का रेट आपका 10% है, तो अगर 7,500 का 10% में लगाऊंगा तो ये आएगा 750। तो सही बुक वैल्यू जो इसकी आएगी वो आएगी 7,500 माइनस 750, दैट इज 6,750। लेकिन ये ना ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, ये ड्राफ्टिंग मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बनी है कि लैंग्वेज पढ़ के क्लियरली इंटरप्रेट कर सकता है कोई भी कि भाई जिस दिन मशीन बेची उस दिन की उसकी बुक वैल्यू 7,500 है। तो आइडियली इसका मतलब क्या हुआ, हमें मानना चाहिए कि 7,500 की मशीन को हमने 9,000 पे बेचा, बट आपके इंस्टीट्यूट ने क्या माना है, उसने बोला यार ये 7,500 की वैल्यू ना डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू है, तो पहले तो आप एक साल की डेप्रिसिएशन लगाओ। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से लगा दी तो 750 की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, तो फिर आपकी नई वैल्यू निकल के आ जाएगी 6,750, और 6,750 की जो मशीन है दैट मीन्स वो 9,000 पे बिकी है, दिस इज एज पर इंस्टीट्यूट। अब देखो क्योंकि ये आपका अल्टीमेटली एमसीक्यू एग्जाम है तो उतनी आपको कल को दिक्कत अभी आने नहीं वाली, लेकिन ये गलती है, और इस बात को ना सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में सही किया है। सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में उन्होंने 7,500 लिखने की जगह यही डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में उन्होंने इसकी वैल्यू ही 6,750 लिखी है 7,500 की जगह।
तो वहां पे सीधा मतलब वहां पे डिप्रिसिएशन लगाने की जरूरत ही नहीं, और उसके पीछे का रीजन वही है जो मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज का मतलब क्या है। बट एनी वे मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि सर हमारा बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हमारी यही कैलकुलेशन रहेगी। तो अल्टीमेटली पहले 7500 में से आपको पहले डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 750 रुपये का, फिर आपको मशीन बेचनी पड़ेगी। आइडियली अगर मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलूं, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी जो अजम्पशन ली है ना, उसमें भी फिर गड़बड़ कर रखी है। इंस्टीट्यूट ने अपनी अजम्पशन में गड़बड़ कर रखी है। अगर इंस्टीट्यूट ये मान रहा है आपका कि डेप्रिसिएशन पहले आपको लगाना है, तो फिर से आपको यहाँ पे दो एंट्री बनानी चाहिए। पहले आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट करना चाहिए, कितना 750, पहले आपको डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है डेप्रिसिएशन बिकॉज एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसकी जगह आपको लिखना चाहिए PNL एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर आप दूसरी एंट्री में अपनी मशीन को बेचोगे, तो बेचने की क्या एंट्री होगी, किसको बेचा था हमने, मिस्टर मेहता को क्रेडिट पे बेचा था, तो मिस्टर मेहता डेबिट करेंगे 9000 टू मशीन। अब मशीन की सही वैल्यू आ गई 6750, और बाकी गेन ऑन सेल हो गया, लिख देते गेन ऑन सेल, ये हो गया कितने रुपए का गेन आ रहा है, ये आ रहा है 2250 का, 2250 का। अब बात वही है भाई, गेन तो गेन है, गेन तो अपने आप में गेन, जब मैंने प्रॉफिट का कोई अकाउंट बोल दिया तो वो अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चे एक्सपेंस इनकम गेन्स ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इंस्टीट्यूट ने, अब दिखाता हूं क्या कर रखा है इसमें, इंस्टीट्यूट ने झोल कर रखा है। इंस्टीट्यूट का अगर आप आंसर देखोगे तो उन्होंने ये बी वाली एंट्री तो बराबर पास करी, अगर आप चेक करोगे हमने भी बी वाली एंट्री यही वाली पास करी है, लेकिन अब वही बात है भाई, अगर आपने माना था कि अभी 7500 पे अभी डिप्रिसिएशन नहीं लगा है 750 रुपये का, तो आपको ये भी तो लगाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लगाया। तो आपने डिप्रिसिएशन तो लगाया नहीं, लेकिन 7500 में से आपने डिप्रिसिएशन माइनस जरूर कर दिया, तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आपकी गलती है। वैसे इसलिए मैंने बोला CA फाउंडेशन में आप CA फाउंडेशन के मटेरियल को रेफर करोगे, तो वहां पे उन्होंने इसी वैल्यू को यहीं इसी अंग्रेजी में यहीं 6750 लिख दिया, तो सारी कंफ्यूजन ही दूर हो गई, डिप्रिसिएशन और कैलकुलेट करने की जरूरत ही खत्म हो गई, सीधा आपको 6750 लिया आपने और उस पे आपने सेल की एंट्री मार दी, तो उसके हिसाब से ये वाली एंट्री बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मैंने आपको पूरी पिक्चर सामने रख दी कि आइडियली या तो इंस्टीट्यूट को वहां 7500 से पहले मतलब 7500 की जगह 6750 ही लिखना चाहिए था, तो आपकी यही एंट्री आती। और अगर हम मान रहे हैं कि नहीं, उस 7500 पे भी डेप्रिसिएशन और पहले हमें लगानी है, तो वो डेप्रिसिएशन लगाने की भी एंट्री होनी चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी मैंने आपको समझा दी बात, ठीक है। अब मॉड्यूल में गड़बड़ है, मॉड्यूल में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा आप इग्नोर मार लेना, आप कॉन्सेप्ट पकड़ना। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हो तो बस बात खत्म हो गई, ठीक है। तो अब गलती देखो होती रहती है यार, क्योंकि आप स्टडी मॉड्यूल भी इंसान ही बना रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल जो लिख रहे हैं वो भी इंसान बना रहे हैं, हालांकि छोटी छोटी बातों का आई अंडरस्टैंड की ध्यान रखना चाहिए, पर ठीक है इंसानों से गलती हो जाती है, माफ कर देंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे भाई कि कॉन्सेप्ट क्या आपने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि क्या आपको कोई कमेंट देना है, हैव यू एनी कमेंट टू मेक। तो अब कमेंट मैं बताता हूं क्या बना आपको करना है। कमेंट के लिए आपको पहले एक सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो मेरे साथ साथ आप एक सस्पेंस अकाउंट बनाना, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस बोला है वो डाल देंगे, और बाकी जो ऊपर की एंट्री में जहां जहां सस्पेंस अकाउंट डाला है उसको पोस्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का, उसमें पढ़ लो ध्यान से क्या था, 830 रुपीज क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट। तो इसका मतलब क्या आप समझ गए, 830 क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट, इसका मतलब जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाई होगी, ये रहा डेबिट ये रहा क्रेडिट, सब कुछ डालने के बाद क्या हुआ, मानो इधर का डेबिट का टोटल आया 2830, तो हमारे क्रेडिट का टोटल आया 2000, तो ये डिफरेंस आया, क्रेडिट का टोटल कम आया, कितने रुपए से कम आया, 830 रुपए से कम आया। तो अब इसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम यहाँ पे 830 लिख देंगे,
और इस 830 को हम किस में डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। किसको हम कहां डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो ऑटोमेटिकली टैली कर जाएगा। इसी को मैंने बोला था आर्टिफिशियली ट्रायल बैलेंस को टैली करना नकली ढंग से। इसका प्लेन मीनिंग ये हो गया कि इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट में 830 रुपए का क्रेडिट आया होगा। हमने सस्पेंस अकाउंट के 830 रुपए, मतलब सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 830 रुपए यहां पे डाले होंगे। तो इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं 830, और इसको लिखा जाता है बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, समझ गए। तो क्रेडिट में डाला होगा हमने सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस होगा, और वही क्रेडिट बैलेंस हमने पहले यहां पे लाइक जस्ट लाइक ओपनिंग बैलेंस यहां पे डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सस्पेंस अकाउंट की सारी यहां पे पोस्टिंग करते हुए चलनी है। तो ऊपर से देखते हो चलो, तो देखो सस्पेंस अकाउंट 4600 था लाला और माला, तो बाय लाला बाय माला पोस्टिंग करते हुए चलते 2300 एंड 2300, तो ये टोटल 4600 सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट हो रखा है क्रेडिट में। फिर सेकेंड एंट्री में देखेंगे तो देखो सस्पेंस अकाउंट फिर से क्रेडिट हो रखा है 1240 से, तो यहां लिख देंगे बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1240। उसके बाद थर्ड एंट्री में, थर्ड एंट्री के ए में आ रहा है सस्पेंस अकाउंट, बी में तो आ ही नहीं रहा, तो ए देख लो, सस्पेंस अकाउंट 900 रुपए से डेबिट है बिकॉज ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट, तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट 900 रुपए, टू पीएनएल एडजस्टमेंट 900 रुपए, राइट। ये हो गया। उसके बाद और ढूंढो सस्पेंस अकाउंट को ढूंढो। फोर्थ एंट्री में फिर से पीएनएल एडजस्टमेंट की वजह से 8640 से डेबिट हो रखा है, तो टू पीएनएल एडजस्टमेंट 8640, सब कुछ कुछ नहीं कर रहा, सीधा सीधा सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा हूं। उसके बाद बस दैट्स इट। आई थिंक फिफ्थ एंट्री में भी कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट तो आया नहीं, तो इतना ही आया सस्पेंस अकाउंट। तो एक बार जरा सस्पेंस अकाउंट का टोटल देखो, क्या मैच कर रहा है? सर मैच करेगा ही नहीं, मैच करेगा नहीं। अभी भी यहां पे कुछ बैलेंस निकल के आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का, कितना आ रहा है चेक कर लो। तो टोटल आ रहा है 900 प्लस 8640, तो ये आ रहा है टोटल 9540। इसमें से 830 गए, -2300 -2300 -1240, तो ये 2870 का बैलेंस बच रहा है यहां पे सस्पेंस अकाउंट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका मतलब क्या है, सवाल उठा, यहां बैलेंस बचने का मतलब क्या है? याद करना, सस्पेंस अकाउंट की पूरी कहानी आपको बताई थी मैंने, बोला था अगर आपके सारे वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं, अगर आपके सारे वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई हो जाते हैं तो आपका सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। पिछले लेक्चर के नोट्स में चेक कर लेना, ये बात हमने बोली थी। अगर सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा, हमने सब कुछ डाल दिया अपनी तरफ से, हमने ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस भी डाल दिया, हमने जितनी भी रेक्टिफिकेशन जितनी भी गलतियां बताई थी उसके हिसाब से हमने सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की पोस्टिंग भी कर दी, उसके बाद भी अभी भी ये सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा, दैट मींस कि अभी भी और कुछ नहीं तो वन साइडेड एरर्स अभी भी हमारी किताबों में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहां पे डिफरेंस आ रहा है। तो यही क्वेश्चन वाला पूछ रहा था कि क्या आपके पास कुछ कमेंट है देने के लिए, तो सर है हमारे पास कमेंट, क्योंकि हमारा सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं कर रहा, दैट मींस देयर आर सम एरर्स येट टू बी रेक्टिफाई। तो कमेंट क्या बोलेंगे, सिंस ट्रायल बैलेंस इज नॉट क्लोज्ड, इट मींस देयर आर स्टिल सम एरर्स येट टू बी रेक्टिफाइड, येट टू बी रेक्टिफाइड। ये मेरा कमेंट हो गया, ठीक है। तो देख लो, देखो 2870 का बैलेंस हमारा यही बच रहा था 2870 का, तो देखो 2870 का यहां पे बैलेंस बच रहा है। तो यही कह रहा है कि सिंस द सस्पेंस अकाउंट स्टिल शोज अ बैलेंस, मतलब वो क्लोज नहीं हुआ, इट इज ऑब्वियस देयर आर स्टिल सम एरर्स लेफ्ट इन द बुक्स। तो यही बात हो गई कि भाई इसका मतलब अभी भी कुछ गलतियां बच गई, और एटलीस्ट अगर टू साइडेड एरर्स नहीं है तो वन साइडेड एरर्स तो पक्का ही होंगी,
बिकॉज वन साइडेड एरर्स की वजह से ही ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया? तो क्लियर हो गया ना कैसे आपको काम करना है? यस सर। चलो बढ़े आगे। यस अब आइएगा इलस्ट्रेशन नंबर 38 पे ऑन पेज नंबर 97। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो आपको ए बी सी डी ई एफ जी से लेके बोला पूरा जे तक आपको गलतियां बता रखी हैं, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनानी है। ठीक है चलो। फर्स्ट कहता है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200 विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा पैसा, उसको हमने ट्रेड एक्सपेंस में डाल दिया, तो दैट मीन्स एक पर्सनल एक्सपेंस को हमने बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। तो ये क्या है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, टू साइडेड एरर है। तो रेक्टिफाई करने के लिए या तो वही अपने स्टेप्स लगा लो, नहीं तो डायरेक्टली एंट्री बना लो। तो मैं आपको यहीं से दिखाते हुए चलता हूं। तो देखो इंस्टीट्यूट ने वही स्टेप्स ही लगाए अपनी तरफ से। तो स्टेप नंबर वन रॉन्ग एंट्री, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश, ये एंट्री हमने पास कर रखी है। स्टेप नंबर टू मैं कर देता हूं, इसको उल्टा करना है, रिवर्स एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ये आपकी रिवर्स एंट्री हो गई। स्टेप नंबर थ्री क्या हुआ? करेक्ट एंट्री पास कर दो, ड्रॉइंग्स टू कैश, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी बिकॉज ये ड्रॉइंग्स थी। रेक्टिफिकेशन एंट्री में स्टेप टू और थ्री को मर्ज कर दो या कंबाइन कर दो, जो भी बोलना चाहो वो कर दो। तो कैश डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये कट गया। तो बचा क्या? ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस, ये आपकी बन गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। और नहीं तो डायरेक्टली भी बना सकते हो, आप सीधा बोलो कि सर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो डेबिट कर देंगे, ट्रेड एक्सपेंस हमने डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो डायरेक्टली भी आपकी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री बन सकती है, राइट? उसके बाद बी, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 300 रुपए फ्रॉम नेथन वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो हमने परचेज करा, परचेज बुक में डालना चाहिए था, हमने गलती से सेल्स बुक में डाल दिया। एरर आप कह सकते हो रिकॉर्डिंग है, अगेन टू साइडेड एरर है। तो यहां पे भी अपने वही स्टेप्स लगा लो। चलो स्टेप नंबर वन रॉन्ग एंट्री, हमने सेल्स बुक में डाल रखा है, तो रॉन्ग एंट्री बन गई सेल्स की, नेथन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टेप नंबर टू रॉन्ग एंट्री को पहले रिवर्स कर दो, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दो, तो रॉन्ग एंट्री है नेथन टू सेल्स, तो रिवर्स एंट्री होगी सेल्स टू नेथन। तीन सौ, ये हो गई आपकी रिवर्स एंट्री। स्टेप नंबर थ्री इंस्टीट्यूट के हिसाब से देख लो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू नेथन, क्योंकि एक परचेज थी, परचेज बुक में डालना चाहिए था, इसकी एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू नेथन। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में स्टेप टू और थ्री को मिला लो, तो क्या होगा? स्टेप टू और थ्री मिला लेंगे तो सेल्स डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट हो रहा है, और नेथन अगर देखोगे दो बार क्रेडिट हो रहा है, नेथन दो बार क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे 300 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, यहां पे भी 300 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो टोटल 600 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 300, सेल्स अकाउंट डेबिट 300 टू नेथन 600। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? तो स्टेप टू और थ्री को आपको मिलाना है, याद रखना। मतलब यहाँ आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर में स्टेप वन लिख दिया और उसके बाद सीधा स्टेप थ्री लिख दिया, उन्होंने रिवर्स करके नहीं दिखाया, तो आप रिवर्स करके लिख लो और टू और थ्री को रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री का नेट इफेक्ट निकालना, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी था पिछली क्लास में। सी कहता है क्रेडिट सेल ऑफ 100 रुपए टू संतानम वॉज रॉन्गली पास टू परचेज बुक। अब ये उल्टा हो गया, डी में क्या हुआ था? परचेज को सेल्स में डाला था या सेल्स को परचेज कर दिया, तो बिल्कुल सेम काम होगा बच्चों, ये आप अपने आप कर सकते हो, जल्दी से देख लो। तो यहां पे उल्टा सिनेरियो हो गया, रॉन्ग एंट्री अब परचेज की होगी, परचेज टू संतानम जो भी है 100 रुपए, इसको पहले रिवर्स कर दो तो एंट्री हो जाएगी संतानम डेबिट टू परचेज 100 रुपए। करेक्ट एंट्री सेल्स की होनी चाहिए थी, संतानम डेबिट टू सेल्स 100 रुपए, और टू और थ्री को मिला लोगे तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई। तो यहां पे संतानम दो बार डेबिट हो रहा है, 100 रुपए से यहां पे भी डेबिट हो रहा है, 100 रुपए से यहां पे भी डेबिट हो रहा है, तो टोटल 200 रुपए से डेबिट हो रहा है। सेल्स क्रेडिट हो रहा है 100 से, परचेज क्रेडिट हो रहा है 100 से, तो बस बन गई आपकी एंट्री संतानम डेबिट 200 टू सेल्स अकाउंट 100 टू परचेज अकाउंट 100। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट डी,
रुपीज 150 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा वॉज क्रेडिट टू मेहरोत्रा, तो यहां पे सीधा है हमें मल्होत्रा से पैसा मिला, हमें मल्होत्रा से पैसा मिला यानी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा हो गई, हमने उसे क्रेडिट कर दिया मेहरोत्रा के अकाउंट में। तो भाई हमें मेहरोत्रा के अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना था, हमें मल्होत्रा के अकाउंट में क्रेडिट करना था। तो यहां स्टेप्स आप बना सकते हो, लेकिन मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं बहुत आसान है भाई, मल्होत्रा के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए उसको क्रेडिट कर दो, मेहरोत्रा के अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है उसको डेबिट कर दो, सीधी सीधी एंट्री बन गई भाई आपकी मेहरोत्रा अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा। देख लो मैं आपको सीधी रेक्टिफिकेशन एंट्री दिखा देता हूं, बाकी आप अपने स्टेप्स तो हमेशा लगा सकते हो अगर कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो, पर डायरेक्ट बन गई मेहरोत्रा को क्रेडिट कर रखा है डेबिट कर दो, मल्होत्रा को क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, सिंपल आपकी यहाँ पे एंट्री बन गई। समझ आ गया, चलो आगे बढ़ो। ये कहता है 375 रुपीज पेड एज सैलरी टू कैशियर धवन वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि हमें करना क्या था, सैलरी पे करी टू सैलरी टू कैश करना चाहिए था, हमने सैलरी को डेबिट करने की जगह उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी जो हमारा इंप्लॉई था धवन उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो आप चेक कर लो रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, यहां पे देखो धवन टू कैश कर दी क्योंकि हमने धवन के अकाउंट में इसे डेबिट कर दिया, जबकि करनी क्या चाहिए थी सैलरी टू कैश करनी चाहिए थी। तो अब इसको पहले रिवर्स करोगे तो बन जाएगी कैश टू धवन, कैश टू धवन, और फिर करेक्ट एंट्री और रिवर्स एंट्री को मिला लेना तो कैश कैश तो कट जाएगा, आपकी एंट्री बच जाएगी सैलरी टू धवन। नहीं तो डायरेक्टली भी बना सकते हो कि सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था उसको डेबिट कर दिया, धवन धवन के अकाउंट को डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, उससे भी आपकी एंट्री यहां पे बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद एफ कहता है बिल ऑफ 2750 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर। तो बेसिकली हमने क्या करा, एक बिल्डिंग को एक्सटेंड करा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 2750 का, हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, रिपेयर के अकाउंट में डाल दिया। सीधी एंट्री बनाओ ना यार, आपको बिल्डिंग अकाउंट में इसको डेबिट करना चाहिए था उसमें आप डेबिट कर दो, आपने इसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब 11वीं के बच्चे को हम बोलते थे चल बेटा लगा ले स्टेप्स लगा ले कोई दिक्कत नहीं, यार अब तो आप समझदार प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हो, लगाने को लगाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप सीधा सोच सकते हो कि बिल्डिंग डेबिट करना है कर दो, रिपेयर डेबिट कर रखा है क्रेडिट कर दो, सिंपल कहानी बन गई। ठीक है, तो देख लो भाई इसकी यहाँ पे लिखी है सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये रही बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, नहीं मसंद आती तो स्टेप्स लगा लो। स्टेप नंबर वन हो गई रॉन्ग एंट्री, स्टेप नंबर टू यहाँ पे घुसा देता हूं, स्टेप नंबर टू इसकी उल्टी एंट्री कैश टू रिपेयर, कैश टू रिपेयर इसकी उल्टी एंट्री, स्टेप नंबर थ्री करेक्ट एंट्री हो गई, टू और थ्री को मिला लो तो आपकी ऑटोमेटिकली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो जाएगी। अच्छा जी, तो बहुत आसान है, गुड्स ऑफ 500 रुपए रिटर्न बाय आकाशदीप वॉज टेकन इनटू अकाउंट बट रिटर्न्स वर नॉट पोस्टेड। तो ये कंप्लीट ओमिशन है भाई, ये कंप्लीट ओमिशन है, सीधा सीधा सही एंट्री पास कर दो। सेल रिटर्न है ना, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, खत्म, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, ये रहा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाशदीप, सीधी सीधी कंप्लीट ओमिशन में तो कोई चक्कर ही नहीं। हालांकि उन्होंने यहां भी देख लिया, देखो रॉन्ग एंट्री नो एंट्री पास हुई, तो रिवर्स एंट्री में भी नो एंट्री आ गया, करेक्ट एंट्री आपकी ये रही, तो सही एंट्री क्या बन गई, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन गई, इक्विवेलेंट टू करेक्ट एंट्री ओनली। ठीक है जी, उसके बाद एच, एच में लिखा है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 200 रुपए टू सेठी वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। लो इसको यहां करके दिखा देता हूं, चलो एच वाला यहां करके दिखा देता हूं, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि एसेट की सेल को हमने नॉर्मल गुड्स की सेल की तरह दिखा रखा है, तो यहां पे एच करके दिखा देता हूं आपको मैं। ठीक है, तो स्टेप्स लगा लो सर, चलो रॉन्ग एंट्री बताओ क्या कर रखा है हमने, इसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर रखा है सेठी टू सेल्स, सेठी डेबिट टू सेल्स, सेठी डेबिट टू सेल्स कितना अमाउंट है, ये है 200 रुपए। स्टेप नंबर टू रिवर्स एंट्री, इसको रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेठी 200। करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, क्या बेचा था हमने, कौन सा एसेट बेचा था हमने, फर्नीचर बेचा था, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी सेठी डेबिट
टू फर्नीचर, बस रेटिफिकेशन एंट्री में इनको मिला लो, नेट इफेक्ट में सेठ ही डेबिट क्रेडिट हो रहा है 200-200 से, ये खत्म हो गया, तो एंट्री क्या बच के बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लो बन गई आपकी, चेक करते हुए चलो भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। किधर गया, ये रहा सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अभी तक सारी आपकी टू साइडेड एरर्स चल रही है, आगे देखते हैं। कह रहे पीरियड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 100 रुपए, मतलब सेल्स बुक का टोटल 100 रुपए से अंडर कास्ट किया, तो अब ये वन साइडेड एरर हो गई। अब ये करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री इसका चक्कर में मत पड़ो, सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। एंट्री बोला है ना लिखने के लिए उसने कि जर्नल एंट्री लिखनी है, क्या बोला था, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो दैट मींस अब आपको एंट्री तो बनानी पड़ेगी, और एंट्री बनाने के लिए क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे। अब सेल्स बुक को कम टोटल का रखा, अंडरकास्ट है, तो मतलब सेल्स अकाउंट में कम अमाउंट गया, तो आपको सेल्स बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए क्या एंट्री करोगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सस्पेंस को डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन गई, क्योंकि सेल्स आपको बढ़ाना है, सेल्स में कम टोटल गया है तो सेल्स बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट करो, डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है, वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, तो यहां से चेक कर लेना, इसको इग्नोर मारना, सीधा आप रेटिफिकेशन एंट्री देखना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कहता है अमाउंट ऑफ रुपीज 80 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन। बड़ा सिंपल है यार, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, हमने कमीशन में क्रेडिट कर दिया, तो कमीशन को डेबिट कर दो, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, इनकम है ना, तो इनकम क्रेडिट होती है, बट हमने बस गलत इनकम को क्रेडिट कर दिया, हमने इंटरेस्ट की इनकम को क्रेडिट करना था, हमने कमीशन की इनकम को क्रेडिट किया, तो क्या दिक्कत है, कमीशन को डेबिट कर दो 80 रुपए, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो 80 रुपए, बन गई आपकी रेटिफिकेशन एंट्री। नहीं तो वही अपने स्टेप्स भी लगा लेना, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि टू साइडेड एरर है ना, पोस्टिंग एरर है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट है, करेक्ट साइड करेक्ट अमाउंट है, इसलिए अब ये टू साइडेड एरर बन गई, तो यहाँ पे भी आप जुगाड़बाजी करने के लिए स्टेप्स लगा सकते हो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, तो क्या मैं बढ़ूं आगे सर, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें? चलिए अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 41 में आना, इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो क्या कहता है, कह रहा है ऑन गोइंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस ऑफ बॉल बियरिंग्स कंपनी लिमिटेड यू फाइंड दैट द डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150। तो क्या अब इस लाइन का आप मतलब समझ गए, डेबिट इज इन एक्सेस बाय 150, तो वही बात है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से 150 रुपीज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस गया होगा, सस्पेंस अकाउंट में 150 रुपीज का बैलेंस गया होगा, किधर, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट का टोटल कम है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट के 150 रुपीज का टोटल गया होगा, दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। लो उसने आप खुद ही बता दिया कि इसको हमने सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो खुद ही बता दिया, नहीं बताता तो भी हमारा यही इंटरप्रिटेशन निकलता। ऑन अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड। कह रहा है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50। तो एक काम करते हैं, एरर्स तो चलो पढ़ ही लेंगे, वापस से पढ़ लूंगा, पहले मेन रिक्वायरमेंट पढ़ो, यहां पे दे रखी है, तीन रिक्वायरमेंट है, पहला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर करेक्टिंग द अबव, ठीक है ये तो हम कर लेंगे सिंपल जर्नल एंट्रीज। सेकेंड पढ़ना, सेकेंड कहता है शो हाउ दे इफेक्ट द प्रॉफिट्स, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, ये मुझे आपको सिखाना है, और थर्ड अगेन नॉर्मल है, प्रिपेयर करना है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं, फेमिलियर पार्ट है, फिर मैं आपको प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा जो वो पूछ रहा है वो कैसे बताना है, कैसे निकालना है, ये आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट करते हैं यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 40, इलस्ट्रेशन नंबर 40, अच्छा सॉरी इलस्ट्रेशन 41 है, ओके सर इलस्ट्रेशन नंबर 41 ले लो। तो पहला फर्स्ट, ठीक है, तो पहला है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50 रुपीज,
तो मतलब हमने एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड को टोटल ₹50 से ज्यादा कर दिया। इसका मतलब मेरा नेट में जो एक्सपेंस निकल के आया वो ₹50 से ज्यादा निकल के आया होगा, समझ आ रही है? तो मेरे एक्सपेंस में डेबिट ₹50 से ज्यादा हो गया होगा, तो ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि वन साइडेड एरर है, कास्टिंग एरर है, तो डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। आई थिंक इस पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि डेबिट ज्यादा है ₹50 से तो उसे क्रेडिट कर दो, सीधा खत्म, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय ₹100। सेल्स अकाउंट का टोटल हमने शॉर्ट कर रखा है ₹100, मतलब सेल्स में हमने अमाउंट कम डाल रखा है, तो बढ़ा दो। तो अब क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स बढ़ाना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? ये है ₹100। थर्ड कहता है, ये सेकंड था, चलो थर्ड कहता है, वन आइटम ऑफ परचेस ऑफ ₹25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम डे बुक टू लेजर एज ₹250। इसका मतलब है कि परचेज जर्नल में से हमने ₹25 का जो टोटल है वो ₹250 डाल दिया, मतलब परचेज अकाउंट में हमने ज्यादा अमाउंट डाल दिया। हमें परचेज अकाउंट में ₹25 डालना था, बट हमने पोस्टिंग के टाइम परचेज अकाउंट में ₹250 डाल दिया, मतलब ₹225 से हमने परचेज ज्यादा डेबिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? परचेज को क्रेडिट कर दोगे। तो इसकी क्या एंट्री हो गई? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो 225, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट थ्रू द पार्ट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ये थ्रू नहीं होगा बच्चों, ये दो होगा, तो दोबारा पढ़ लो। सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट has been credited। तो सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। वो कह रहा है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में इसको नहीं पोस्ट करा हमने, लेकिन डेटर अकाउंट में सही सही क्रेडिट कर दिया। डेटर को क्रेडिट करना था ना, तो डेटर अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया ऑलरेडी, लेकिन सेल्स रिटर्न अकाउंट को नहीं करा, तो आप कर देते हैं, क्या दिक्कत है? आओ, तो फोर्थ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना है, वो नहीं करा हमने। टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कुछ और है नहीं क्रेडिट करने को, कह सकते हो ये पार्शियल ओमिशन है। तो कितना अमाउंट है? ये है ₹100। फिफ्थ क्या कह रहा है? कह रहा है चेक ऑफ ₹500 इशू टू सप्लायर्स अकाउंट शोन अंडर ट्रेड पेबल्स। मतलब यार, हमारा क्रेडिटर था, हमने उसे ₹500 का चेक पकड़ाया, यानी चेक से पेमेंट करी, टुवर्ड्स हिज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजर। तो किया क्या हमने? हमने क्रेडिटर्स को पे करा, तो क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री क्या होती है? यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया ट्रेड पेबल्स, तो चलो मैं क्रेडिटर्स का नाम थोड़ा फैंसी रख देता हूँ, ट्रेड पेबल्स कर देता हूँ। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, यानी हमें ट्रेड पेबल्स के अकाउंट को डेबिट करना था। इसकी जगह वो कह रहा है हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये कह रहा है वो आपसे। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। ट्रेड पेबल्स को डेबिट करना है, उसको डेबिट कर देंगे, तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, और परचेज को डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट कर दो, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है? ₹500। सिक्स्थ, आई थिंक लास्ट होगा, कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ ₹50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। लो जी, वो कह रहा है एक सेल करी हमने, तो सेल की एंट्री होनी चाहिए थी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वो कह रहा है हमने सेल्स अकाउंट में तो सही पोस्टिंग कर दी क्रेडिट में, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स को जहां डेबिट करना चाहिए था वहां उसमें भी हमने क्रेडिट करा। ध्यान से पढ़ो, वो कह रहे क्रेडिट सेल
हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट. तो हमने डेटर के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया, सेल्स में भी क्रेडिट कर दिया, ट्रेड और डेटर के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया. तो अब इसको ठीक कैसे करोगे भाई? क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट कर दोगे आप, क्योंकि आपको डेटर्स को तो डेबिट करना था, आपने गलती से क्रेडिट कर रखा है, और वो भी डबल अमाउंट से करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्रेडिट से उठ के डेबिट में आना है. तो अब आपको डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट दो बार करना पड़ेगा बेसिकली. तो कितना अमाउंट है, 100 रुपए बस टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेल्स अकाउंट में तो सही सही गया है सब, 100 रुपए. दैट्स इट, बन गई आपकी एंट्रीज. ठीक है सर, ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट में उसने थर्ड पार्ट में रादर उसने सस्पेंस अकाउंट मांगा था. तो पहले मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बनवा लेता हूं. चलो सस्पेंस अकाउंट बना लेते जल्दी से. तो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने क्रेडिट कर रखा था. सवाल ने बोला था डिफरेंस जो था डेबिट का टोटल ज्यादा था, तो हमने डिफरेंस को क्रेडिट कर रखा था सस्पेंस में. तो बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना अमाउंट था ये डिफरेंस का, ये था 150. चलो जल्दी जल्दी करूंगा आप काम बच्चों, सीधा अपनी पोस्टिंग वाला काम करना है. तो पहली एंट्री में सस्पेंस टू एक्सपेंस 50, तो डेबिट में आ जाएगा टू एक्सपेंस 50. ठीक है, सेकेंड एंट्री में क्या है, सस्पेंस टू सेल्स 100, तो फिर से डेबिट हो रहा है सस्पेंस टू टू सेल्स 100. उसके बाद थर्ड एंट्री में फिर डेबिट हो रहा है सस्पेंस टू परचेस 225 टू परचेस 225. उसके बाद फोर्थ में सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, यहां अब क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस 100 रुपए से. तो बाय सेल्स रिटर्न 100 टू, ये हो गया 100 है ना. उसके बाद तो फोर्थ तक हो गया, फोर्थ तक हमारा डन हो गया. फिफ्थ में सस्पेंस अकाउंट है नहीं, सिक्स्थ में फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 100 रुपए से. तो बाय सस्पेंस बाय सॉरी सस्पेंस के अंदर सस्पेंस कैसे आ जाएगा, किसकी वजह से हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स. तो बाय ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 100. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सस्पेंस अकाउंट अभी भी क्लोज तो हो नहीं रहा. तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बैलेंस छोड़ देंगे जो भी बच रहा है. तो आई थिंक डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है 375. तो 375 माइनस 150 माइनस 100 माइनस 100, तो 25 रुपए का बैलेंस बच जा रहा है यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन. चलो बच गया तो बच गया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं. इसका मतलब फिर से आपकी रिमार्क आपका वही निकल के आया कि इसका मतलब अभी भी कोई एरर अभी रेक्टिफाई करनी रह गई है, तभी इसमें बैलेंस बच रहा है. ठीक है, और दूसरी बात, इसमें सस्पेंस अकाउंट में इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी है, उन्होंने ये 225 रुपए की पोस्टिंग क्रेडिट में कर रखी है, वो भी बाय ट्रेड पेबल्स लिख के. तो ये गलती कर रखी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ. इसकी जो पोस्टिंग है ये इंस्टीट्यूट ने आपके आंसर में गलत कर रखी है, तो उसको आप इग्नोर मार देना. ये आपका सही सस्पेंस अकाउंट मैंने यहाँ पे बना दिया आपके सामने. ठीक है, तो कभी आप बाद में बोलो सर आई स्टडी मटेरियल में तो ऐसे कर रखा है वैसे कर रखा है, तो देख लेना 225 रुपए की पोस्टिंग क्रेडिट में कर रखी है, जबकि उसके एंट्री क्या है, एंट्री चेक कर लेना, एंट्री यही है सस्पेंस टू परचेस, लेकिन उन 225 रुपए उन्होंने क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया, और वहां पे भी बाय ट्रेड पेबल्स लिख दिया उन्होंने. खैर जो भी किया उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमारा ये सही सही सस्पेंस अकाउंट बन गया. तो यहां तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब यहां तक आप मेरे साथ कर चुके. अब मेन जो काम आपको करना है वो करना है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट का. तो आप मेरे साथ साथ लिख लो, मैं आपको बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं कि कैसे आप रेटिफिकेशन का इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा ये डिटरमाइन कर सकते हो. तो बहुत सिंपल है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट देखो भाई, प्रॉफिट में वही एंट्री इफेक्ट करेगी जिसमें नॉमिनल अकाउंट आ रहे हैं. नॉमिनल अकाउंट जहां पे पिक्चर में आ रहे हैं वहीं प्रॉफिट में बदलाव आएगा, वहीं प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा. पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट से कुछ नहीं होगा, ये बात आप समझते हैं. तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट के लिए आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट चेक करना है कि नॉमिनल अकाउंट का क्या हो रहा है. और बहुत सिंपल आपका वही ट्रेडिशनल रूल वाला फंडा है, अगर नॉमिनल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रखा है
अगर नॉमिनल अकाउंट आपके रेटिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट हो रखा है तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट प्लस होगा। और वहीं अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट मेरा डेबिट हो रखा है रेटिफिकेशन एंट्री में तो इसका मतलब प्रॉफिट डिक्रीज होगा, प्रॉफिट माइनस होगा। समझ आ रही बात? तो इनकम रेवेन्यू गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो अगर आप किसी भी नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, और किसी भी नॉमिनल अकाउंट को अगर डेबिट कर रहे हो तो प्रॉफिट कम होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी एंट्रीज में नॉमिनल अकाउंट चेक करने हैं, डेबिट हो रहे हैं कि क्रेडिट हो रहे हैं। अगर डेबिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो यहां पे चेक कर लो, देखो मैं यहां पे लिखते हुए चलता हूं। तो इस एंट्री में देखना एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, पचास रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो यहां प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्लस 50 प्रॉफिट इंक्रीज होगा पचास रुपए से। अगली एंट्री में देखो सस्पेंस अकाउंट को छोड़ो, सेल्स अकाउंट अगेन एक नॉमिनल अकाउंट है, अगेन ये 100 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो यहां पे भी 100 रुपए से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। उसके बाद अगली एंट्री में फिर से परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, 225 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो फिर से क्रेडिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट 225 रुपए से इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट अगली एंट्री में देखो सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स रिटर्न एक नॉमिनल अकाउंट है और ये डेबिट हो रहा है, कितने से, 100 रुपए से, 100 रुपए से डेबिट हो रहा है, तो यहां मेरा प्रॉफिट 100 रुपए से कम हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। अगली एंट्री में देखो अगली एंट्री में फिर से प्रॉफिट, अगली एंट्री में फिर से सॉरी नॉमिनल अकाउंट परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 500 से, तो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 500। उसके बाद अगली एंट्री में, अगली एंट्री नेक्स्ट एंट्री में तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, ट्रेड रिसीवेबल तो पर्सनल अकाउंट होता है, बट दैट्स इट, बस ये प्लस माइनस कर लो कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो चेक कर लो, तो 50 + 100 + 225 - 100 + 500 तो ये आ रहा है 775, और 775 ग्रीन में आ रहा है, 775 नेट बढ़ रहा है, तो मेरा नेट में प्रॉफिट 775 से इंक्रीज होगा, मेरा नेट में प्रॉफिट 775 से इंक्रीज होगा। तो मैं लिख देता हूं नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने सस्पेंस अकाउंट में झोल कर रखा है, तो यहां पे चेक कर लेते हैं एक बार, इंस्टीट्यूट का आंसर भी मिलाते हुए चलते हैं। चलो यहां सही है, ये इन्होंने सही करा है, तो देखो प्रॉफिट विल में नेट इंक्रीज होगा 775 का। करा कैसे, छोड़ दो, करने का सिंपल तरीका मैंने बता दिया, नॉमिनल अकाउंट ढूंढना है, क्रेडिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट बढ़ा देगा, बढ़ा देना, प्लस कर देना, और अगर वहीं पे डेबिट हो रहा है तो माइनस कर देना। और यहां पे अगर नेट में आंसर माइनस में आ जाता है तो नेट में आप बोलते हैं प्रॉफिट डिक्रीज होगा, यहां नेट में आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सिंपल, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 40। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस में बच्चों ज्यादा कुछ करने को रहा नहीं, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या है। पहले इलस्ट्रेशन 40, सब रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आपके होमवर्क में हैं, मुझे दिखता नहीं कि ऐसी कोई तकलीफ होगी क्योंकि मैं आपको सब वैरायटी की बात करा चुका। बस इलस्ट्रेशन 40 क्या है पढ़ लो एक बार, वो कह रहे फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए राम एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, बस है ना। मेन रिक्वायरमेंट क्या है, गिव जनरल एंट्रीज टू करेक्ट दीज एरर्स, Which of these errors, if any, will cause disagreement of the trial balance? ठीक है, तो बेसिकली आपको रेटिफिकेशन नॉर्मली करनी है, नॉर्मली रेटिफिकेशन करते हुए चलना। वो कह रहे विच ऑफ दीज एरर्स विल कॉज डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो सीधी बात है भाई, जो रेटिफिकेशन आप कर रहे होगे उसमें अगर सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा, अगर उसमें सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा इसका मतलब वो वन साइडेड एरर होगा, तो फिर वो ट्रायल बैलेंस क्यों इफेक्ट करेगा, डिसएग्रीमेंट मतलब जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करेगा। और जहां पे भी जिस एरर में भी जिस रेटिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा होगा वो ट्रायल बैलेंस को भी इफेक्ट नहीं करेगा। मैं बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं और लॉजिकल बात है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हम यूज कर रहे होंगे वन साइडेड एरर्स को रेटिफाई करने के लिए, और वन साइडेड एरर्स ही हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, यही तो सीखा हमने। तो अब उल्टा अगर मैं सोचूंगा, इट मीन सिंपल है कि अगर रेटिफिकेशन एंट्री में हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, और अगर नहीं कर रहे तो
नहीं करेगा। जैसे यहां पे पहली रेटिफिकेशन एंट्री देखना, बिल्डिंग टू रिपेयर, ये टू साइडेड एरर रेटिफाई हो रही है बिकॉज नो सस्पेंस अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री नहीं होगा। इसी प्रकार से अगली एंट्री देखो, रहीम टू अलाउंस, अगेन नो सस्पेंस अकाउंट, मतलब ये टू साइडेड एरर होगा, तो यहां पे भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। तो किसी भी एंट्री में मुझे दिख रहा है ऐसा कि सस्पेंस अकाउंट यूज हो ही नहीं रहा, तो आपका सारी में ही आंसर आएगा कि कोई भी एरर सस्पेंस अकाउंट, सॉरी कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री नहीं करेगी। सिंपल सवाल था, मतलब सीधी बात है यार, अगर वन साइडेड एरर होगा आपका तो आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, अगर टू साइडेड एरर होगा तो आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिसएग्री, सिंपल हो। ठीक है, तो कर लेना ही होमवर्क में, दिस क्वेश्चन इज इन योर होमवर्क। तो मैं नीचे से शुरू करता हूं, इलस्ट्रेशन लास्ट जो है 42, ये भी सिंपल रेटिफिकेशन का क्वेश्चन है, वही रेटिफिकेशन करो, सस्पेंस अकाउंट बनाओ और नेट प्रॉफिट का इफेक्ट क्या होगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा था ना, वही सेम क्वेश्चन है कि रेटिफिकेशन एंट्री बनानी है और प्रॉफिट पे इफेक्ट निकालना है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है, बिल्कुल कर चुके हम ऐसा क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन कैन बी इजिली डन इन होमवर्क। उसके बाद अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट होगा, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में एक पॉइंट होगा, इस क्वेश्चन में उसने ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं बताया, इलस्ट्रेशन 42 में उसने ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं बताया, जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन में वो बता रहा था कि डेबिट का टोटल ज्यादा है या जो भी है, या उसने डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस नहीं बताया, तो यहां पता है क्या होगा, यहां सस्पेंस अकाउंट बनाओगे ना तो उसका बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, वही आपका डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होगा, तो यहां डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आप बैलेंसिंग फिगर को लेके चल लो, सिंपल बस इतना सा ट्विस्ट है, बाकी वही काम है, सेम काम है। ठीक है, और लगता है स्टेज थ्री का क्वेश्चन है, मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट दिख गया, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए डिफरेंस के साथ, वही लैंग्वेज है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, सब्सिक्वेंटली हमने एरर रेक्टिफाई करी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद, इसलिए स्टेज थ्री हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस कर देंगे पीएनएल एडजस्टमेंट से, और बाकी सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा, सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी योर ओपनिंग बैलेंस, बाकी प्रॉफिट का इफेक्ट या जो भी है वो आप कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 39 भी वही सेम क्वेश्चन है, रेटिफिकेशन एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट्स पे एरर निकालना है, मतलब सॉरी एरर्स का इफेक्ट प्रॉफिट पे निकालना है, तो वो भी होमवर्क में हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अभी कराया, ये क्वेश्चन मैंने करा लिया, और क्या क्वेश्चन बचा उसके बाद, सिंपल अगेन सिंपल रेटिफिकेशन एंट्री करनी है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, होमवर्क, इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है एक्सेस क्रेडिट 1700 रुपए, आपके क्रेडिट ज्यादा है तो ओपनिंग बैलेंस अगर आप देखोगे सस्पेंस अकाउंट में तो यहां पे आएगा देखो 1700, और गिन के चार एरर्स हैं यार, कर लेना रेटिफाई, हो जाएगा होमवर्क में। ठीक है, अच्छा इलस्ट्रेशन 36 अच्छा क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में है, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि वैसे इसमें सिर्फ पांच एरर्स हैं ये, लेकिन आपको तीनों स्टेज के हिसाब से रेटिफाई करके दिखाना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, मतलब स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, तो आपको स्टेज वन टू थ्री के हिसाब से तीनों स्टेज उसमें करके दिखाना है कि अगर स्टेज वन है तो क्या, स्टेज टू है तो क्या। ठीक है, आंसर दे रखा आप चेक कर लेना, बट आपको स्टेज वन टू थ्री कॉन्सेप्चुअली करके बताना है कि भाई अगर स्टेज वन में ही गलती ठीक होगी तो कैसे होगी, स्टेज टू में कैसे होगी, स्टेज थ्री में कैसे होगी। स्टेज वन में सिंपल है, अगर वन साइडेड एरर है तो सीधा रेटिफिकेशन नोट जाएगा इफेक्टेड अकाउंट के रेलिवेंट साइड पे, टू साइडेड एरर के केस में नॉर्मल आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, पूरी एंट्री बन जाएगी। स्टेज टू के केस में अगर वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट से रेटिफाई होगा, टू साइडेड एरर है तो नॉर्मल आपकी जनरल एंट्री पास होगी, वही चार स्टेप्स लगा के। और स्टेज थ्री है तो स्टेज टू जैसे ही होगा, सिर्फ आप नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज कर लोगे, सारे नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करके पीएनएल एडजस्टमेंट यूज कर लोगे। तो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, करना ना करना तो खैर आपके ऊपर है बच्चों, बट आपकी इससे क्या है, तीनों स्टेजेस की बढ़िया रिविजन हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं जहां पे वो तीनों स्टेजेस में रेटिफिकेशन कराता है, तो ये इंपॉर्टेंट है,
तो कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये भी आपका हो जाएगा। आई थिंक बाकी क्वेश्चंस मैंने करा दिए होंगे, चेक कर लेता हूँ, बाकी क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है मैंने करा दिए होंगे। तो हमने देखो इलस्ट्रेशन 34 से ही शायद स्टार्ट किया था, तो बाकी सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, क्वेश्चंस होमवर्क वाले आपको करने हैं, ठीक है। सारी वैरायटी कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर करा लिए, आपकी एप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दी कि कैसे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करनी है, अब उसकी प्रैक्टिस है और रिवीजन करना आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, तो ये आप जरूर कर लेना। बाकी अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा, ये चैप्टर आपको समझ आया, तो बच्चों लाइक कर देना इसको, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए, पूरी लेक्चर सीरीज पहुंच जाए, ताकि बाकियों को भी पता लग जाए कि हम बिल्कुल चैप्टर वाइज अपनी फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।